हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप न्यू ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरबिया में कैसे बनाएंगे। ए टू जेड आपको बताने वाला हूँ, आप लाइसेंस करने से लेकर अपॉइंटमेंट बुक करने से लेकर और आपको कंप्यूटर पास करने तक, ऑनलाइन टेस्ट करने तक मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके वीडियो को हमें अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और ऐसी वीडियो आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। अगर आपने एक वीडियो सिर्फ मेरा पूरा देख लिया तो आपको लाइसेंस बनवाना कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप खुद से लाइसेंस अप्लाई करेंगे और खुद से कंप्यूटर पास करेंगे ऑनलाइन रूम पर बैठे बैठे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सबसे पहले अपना गूगल को ओपन कर लेंगे, उसमें लिखेंगे अप्सर, अप्सर लॉगिन आ जाएगा तो उसको हम ओपन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये अरबी में है तो इसको हम इंग्लिश में कर लेंगे। और यहाँ पे आपको अपने अप्सर का यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। चलिए अपना अप्सर का यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल लेना होगा। हम ओटीपी को इंतजार कर लेते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को हम यहाँ डाल लेंगे। डालने के बाद यहाँ कई फंक्शन दिख रहा है, डैशबोर्ड दिख रहा है, माई सर्विस दिख रहा है, तो माई सर्विस पे आपको करना होगा क्लिक। जैसे हम माई सर्विस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ ट्रैफिक लिखा हुआ, ट्रैफिक क्लिक करेंगे, फिर यहाँ देख सकते हैं इशू ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू सर्विस पे क्लिक करेंगे। हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपको बुक करने का, बुक न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ लिखा क्या रहा है ग्रीन में, यहाँ आपको करना होगा क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कई तरीके का सर्विस दिया गया है, तो इसमें आप मदरसा ऑफलाइन भी जा कर सकते हैं, मदरसा के अंदर भी 30 घंटे तक आप कर सकते हैं। ऑनलाइन चाहिए तो नीचे से जो दूसरा नंबर दिख रहा है यानी 2, 4, 5वां नंबर जो है उस पर ट्रिक करके यहाँ रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ पर करा रहे हैं, दम्माम कसीम कहाँ कराना चाहते हैं। वो करने के बाद आपको नेक्स्ट पे करना होगा क्लिक। जैसे नेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका सारे दल्ला जो है मदरसा जितने भी है लाइसेंस का वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपके नज़दीक जो है उसमें पहले आप चेक कर लीजिएगा। हमारे पास जामा नूरा जो है वो नज़दीक में है, इसमें जो है लेडीज़ और जेंट्स दोनों का है, दिन में लेडीज़ का और रात में जेंट्स का है। तो हम देख लेते हैं जामा नूरा में अपॉइंटमेंट खाली है कि नहीं है। जामा नूरा मिल चुका है, अब यहाँ हम देखेंगे टाइम, यहाँ 7 AM सुबह में देख सकते हैं खाली नहीं है सुबह, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ का है और जेंट्स का यहाँ 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक रहता है। तो यहाँ हम देख लेंगे, हमें जिस समय वहाँ दल्ला में जाना है अपना फाइल लेके वो देख लेंगे, टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम सेलेक्ट कर लिया हमने, जैसे टाइम सेलेक्ट करते हैं हम कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है आपको एक इकामा का फ़ोटो कापी और 2 फ़ोटो लेकर जाना होगा। यहाँ आपका एड्रेस लिख आ जाएगा जामा नूरा का पूरा, और आपका अपॉइंटमेंट डेट भी दिखने को मिल जाएगा, तारीख भी सबको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और ब्रांच मैप भी यहाँ देखने को मिल जाता है। उसके बाद कन्फर्म अपॉइंटमेंट डिटेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा अपॉइंटमेंट जो है बुक हो जाता है। चलिए यहाँ कन्फर्म पूरा हम डिटेल देख लेते हैं, उसको कन्फर्म आप क्लिक करते हैं देख सकते हैं हमारा जो टिकट है तज़किरा मुआयद वो हमारा बुक हो चुका है, अपॉइंटमेंट हमारा बुक हो चुका है, बारकोड भी जनरेट हो आ चुका है। यहाँ पे लिख के पूरा डेट, तारीख, नाम सब कुछ, आपका इकामा नंबर सब कुछ लिख के आ जाएगा। अब इसको आपको सेव करना है तो नीचे जो दिख सकते हैं प्रिंट लिखा हुआ है, उस प्रिंट करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं और जाके मकतब निकाल लेते हैं। चलिए पहले इसको हम प्रिंट करके दिखाते हैं, प्रिंट यस करेंगे, फिर यस करेंगे तो वो हमारे पास सेव हो जाएगा। जैसे यस करते हैं तो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाए। अब इसको हम PDF पे सेव करें अपने मोबाइल जो PDF है, PDF में सेव करने के लिए थोड़ा जूम करेंगे और नीचे प्रिंट लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करके PDF में सेव कर लेना है। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, जिस हमारे में PDF बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए हम उसको कुछ नाम दे देते हैं, कोई भी उस पर नाम टाइप करके सेव कर देंगे। उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट जब बुक हो जाएगा तो आपको चला जाना है मकतब पर, मकतब पर जाके फ़ोटो कापी करा के लेकर और फिर वहाँ पर जामा पे जाना होगा। वहाँ पे आपको 2 फ़ोटो लगेंगे और आपका इकामे का फ़ोटो कापी ले लीजिएगा और जो अपॉइंटमेंट बुक किया है वो कागज़ लेके चले जाइएगा वहाँ पे। उसके बाद जब आप ड्राइविंग स्कूल में चले जाते हैं और वहाँ पे आप अपना फाइल जमा करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, OTP डालने के बाद OTP और आपका इकामा नंबर OTP डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। वो लोग बताएंगे आपको क्या करना है, वो बारकोड देंगे आपको, बारकोड स्कैन करके इस वेबसाइट पर आ जाइएगा और यहाँ पे जो आएंगे देख सकते हैं लिख किया गया अभी 21 जुलाई का हमने आप बुक किया है। तो यहाँ आपको बुक नाव पे जाना क्लिक करना है क्योंकि आपको अभी मदरसा ऑनलाइन करना है, तो बुक नाव पे क्लिक करके यहाँ अपना मदरसा का जो है वो टाइमिंग सेट करना होगा। यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको मेडिकल का कुछ पूछेगा, यहाँ पे सब में आपको नो पे करना होगा क्लिक, यहाँ पे यस में किसी भी नहीं करना है क्लिक, सब में नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके
बीमारी के बारे में पूछा जाएगा आपको, कोई जैसे सर दर्द नहीं है, बुखार नहीं, आँख कमज़ोर नहीं है, कुछ टूटा फूटा या ऑपरेशन तो नहीं हुआ, यह सब पूछा जाएगा इसमें, तो सब में नो पे क्लिक कर दीजिएगा, यस ना कीजिएगा कहीं पे। यहाँ पे यहाँ सब पे नो नो करने के बाद जितना भी मांगे नो कर दीजिएगा, और यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा जो टर्म कंडीशन का है, इस पे क्लिक करने के बाद फिर आपको सेव पे कर देना होगा क्लिक। जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं कुछ नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर किसी पे यस करते हैं तो आपके लिए फिर गड़बड़ दिक्कत है, तो न करके नो पे कर दीजिएगा और सेव पे कर देंगे हम क्लिक। जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, बुक नाउ फिर हमारे पास मांग रहा है, फिर हम दोबारा वही प्रक्रिया करेंगे। जिस फिर हम बुक नाउ करेंगे तो अब अरबी में आ जाएगा, टर्म कंडीशन जो है अरबी में आ जाएगा, तो इसको हम ऊपर करेंगे। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिएगा, मसला नहीं है। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, बेहतर रहेगा, इसमें क्या क्या कंडीशन है, उसके बाद एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ हमारा आ जाएगा सिलेक्ट स्टार्ट डेट, यानी कब से आप जो ये ट्रेनिंग है वो कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ डेट और समय आ जाएगा आपका, तो जो 22/7 लिख रहा है इसी तरह आपके भी आएगा। इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो लिख रहा है यहाँ पे वो ऑटोमेटिक जो है वो दिन तारीख ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखते हैं, जैसे मैं उस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक जो डेट टाइम है वो सब इस पे आ चुका है। अब यहाँ पे टाइमिंग जो है वही टाइमिंग अपने हिसाब से हो लेगा। उसका थोड़ा ऊपर करेंगे तो थ्योरी टेस्ट लिखा हो, ट्रेनिंग हो गया, थ्योरी टेस्ट जो है आपको वहाँ पे फिर दोबारा ट्रेनिंग के लिए कब जाना है वो प्लीज सेलेक्ट डेट पर करेंगे। और 24 तारीख जो दिख रहा है उस पर आप उसी टाइम सेट कर सकते हैं आप, कि हमें जिस टाइम आप खाली हो उस टाइम पे चले जाना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे कोई भी एक हमें टाइम पहले देख लेते हैं कौन सा टाइम हम खाली हैं। मैं अपने मैडम से बात कर लीजिएगा कि किस कौन सा समय पर ड्यूटी नहीं है, लाइक ये शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं। उसके बाद देखने के बाद फिर जो नीचे बुक दिख रहा है इस पर बुक पे हम करेंगे क्लिक। लाजिम आपको वही डेट पर पहुँच 15 मिनट पहले आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। सब कुछ हमने अपना डेट टाइम सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं। अगर इसमें आपको कम बेसी भी करना है तो अभी कर लीजिएगा इसको बुक करते समय, नहीं तो बाद में फिर वो चेंज नहीं होता है। फिर हम कन्फर्म पे करेंगे, जैसे कुछ पोपअप आ जाएगा इसको हम कन्फर्म पे करेंगे क्लिक। जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने मेडिकल का कुछ इशू जो है वो पूछेगा हमसे। यहाँ बुक विदाउट मेडिकल, जैसे आप जो बुक कर रहे हैं अपॉइंटमेंट अभी जो आप ट्रेनिंग के लिए बुक कर रहे हैं वो आपका मेडिकल है कि विदाउट मेडिकल है, यानी मेडिकल करा चुके हैं अभी बाकी है, तो हम बुक विदाउट मेडिकल, अभी मेडिकल नहीं कराए हैं तो वो भी करके आप सेव कर सकते हैं। अगर आपने मेडिकल कराया है तो ऊपर वाला करके टिक कर देंगे तो आपका सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हमारा जो है अब हमें इंतज़ार करना है कि हमारा ट्रेनिंग का टाइम कब हो रहा है। ट्रेनिंग टाइम 2 बजे से लेकर 12 बजे रात तक है। उसके बाद आपको कितना फीस जमा करना है वो पहले कर देंगे, उसके बाद ही आपका वो टाइमिंग मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं सब हमारा नाम लिख कर आ जाएगा, नाम और इकामा नंबर लिख के आ जाएगा और मोबाइल नंबर लिख के आ जाएगा, और कितना पैसा आपको मकते में जमा करना है वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ 600 रियाल जो है वो चार्ज है और 90 रियाल उसका टैक्स है, यानी टोटल 690 रियाल आपको पे करना होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ आपका मादा कार्ड जो वीज़ा कार्ड है उसे पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप जाके वहाँ मदरसा में वहीं जाके जमा करा सकते हैं, मशीन से वहीं जाके जमा करा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कैसे जमा कराएंगे। लेकिन इतना कुल करने के बाद बुक जब करेंगे तो आपका मांगे पहले पैसा जमा कर देंगे, फिर उसके बाद ही आपका मदरसा जो है ट्रेनिंग है वो शुरू होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लास्ट अपना नाम इंग्लिश में डालना होगा, लास्ट नाम जो है वो आप डाल लीजिएगा और नीचे आपका फर्स्ट नेम जो है वो डाल लीजिएगा। डालने के बाद फिर आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को, हमारा जो रेड आ गया तो ये उठा नहीं रहा, नाम सही नहीं है, तो नाम को फिर से हम सही कर लेंगे। चलिए हम नाम को फिर से सही कर लेते हैं, नाम का सही कर लिया। अब उसको ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो पहले हमें वहीं जाके अपना पैसा जो है वो पे करना होगा। तो चलिए हम वहाँ पे जाके पहले जिनका हम बना रहे हैं उनको भेज कर वहाँ पे हम तब तक बोल देते हैं जाके वहाँ पैसा जमा कराइए। अब वो चले जाएंगे वहाँ पैसा जमा करके आएंगे, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे है। अब वो जाके पैसा जमा कर चुके हैं, उसके बाद देख सकते हैं पेंडिंग इनवॉइस दिखा रहा है, तो हमारा जो एक पैसा है वो जमा हो चुका है, देख सकते हैं 690 रुपये अभी पेंडिंग दिखा रहा है। वो चेकआउट करेंगे फिर वहाँ से सही हो जाएगा वहाँ से, और कितना कितना लगा है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। मदरसे का अगर इसमें आप एक बार फेल होते हैं तो आपका शायद 83 या 75 रियाल के आसपास में है, कुछ आपको 86 रियाल आपको जमा करना पड़ता है वहाँ पे एक बार में, जितना बार फेल होंगे उतना भी जमा करना पड़ेगा। लेकिन इस जामानूरा में एक चीज़ है, अगर आप फेल भी हो गए तो 6 दिन के अंदर आपको लाइसेंस बना के वो दे देते हैं।
ये अच्छा है लेकिन दूसरे में भी जाइएगा तो उसमें नहीं बनाते, एक बार फेल हो गए तो आप फेल हो गए, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। वो इस तरह उसके बाद हमारा टाइम इंतज़ार करेंगे, अब 21 जुलाई 22 जुलाई का हम इंतज़ार करेंगे। हमारा जो डेट है आएगा 2 बजे रात से लेकर 2 बजे रात तक रहेगा, दूसरा हमें इंतज़ार कर लेंगे। अभी हमारा 28% जो है प्रोग्रेस दिखा रहा है, 22 और 23 में हमें जो है वो ऑनलाइन क्लास करना है और 24 में जो है हम वहाँ जाकर खुद का ट्रेनिंग देना है, तो वहाँ एग्जामिनर हमसे ट्रेनिंग लेगा। वो सब देख लीजिएगा आप, यहाँ जो हमारा दिख रहा है वेटिंग और नॉमिनेशन और बुकिंग ये सब कुछ हो चुका है, बस हमें अब टाइमिंग का इंतज़ार है। तो चलिए हम उस टाइम का भी इंतज़ार कर लेते हैं और उसमें आप वीडियो में बताएंगे, आपको सवाल भी हम हल करके दिखाएंगे, ऑनलाइन जो है क्लास है ऑनलाइन क्लास करके भी दिखाएंगे हम ऑनलाइन क्लास कैसे करते हैं और कौन से सवाल आते हैं, उन सवालों का जवाब भी कैसे आपको देना है वो पूरी वीडियो में जैसे आप स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। हमारे सामने जो है टाइमिंग आ चुका है, पैसे से जमा करने के बाद सब कुछ होने के बाद यहाँ आपको दिन टाइम मिल जाएगा, आपको कब जाना है 21 22 23 24, इसमें 2 दिन हमारा जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, 4th दिन हमें वहाँ जाके ट्रेनिंग देना होगा। और जो इसका टाइम है वो 12 बजे रात से 2 बजे रात तक एक कंप्यूटर जो देना है आपको। तो सवाल जवाब के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट नाउ दिख रहा है, इस पर आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ 3 यूनिट है, 3 यूनिट मेरा प्लस है, आपका प्लस नहीं होगा क्योंकि मैंने पूरा वीडियो देख लिया है। प्लस यूनिट पे करेंगे और सेक्शन 1 पे क्लिक करेंगे तो नीचे साइड का वीडियो शुरू हो जाए चालू हो जाएगा। इस वीडियो का पूरा वाच करना है, जितना इस सारे वीडियो का आपको देखना होगा। अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर आपके ये प्लस का आइकन नहीं होएगा, फिर आप जाएंगे मदरसा पे तो आपका वीडियो देखने के लिए फिर दोबारा बोला जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है आप पूरा वीडियो देखें। सेशन 1 में जो है यूनिट 1 में 7 वीडियो है और 7 वीडियो देखने के बाद फिर आपको ये सवाल जो आपका क्वेश्चन का आंसर देना होगा। फिर यूनिट 2 में आएंगे, फिर आपको 5 वीडियो देखेंगे, फिर आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर यूनिट नंबर 3 में आएंगे, फिर इसमें 4 वीडियो देख के फिर आपको करना होगा। तो हमने वीडियो पूरा देख लिया है तो इसलिए हमारा ट्रिक लग गया है, आप में नहीं लगेगा, हमने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको डायरेक्ट बिना किसी देरी के चलिए हम आप सवाल जवाब के चलते हैं। तो सवाल जवाब के लिए स्टार्ट द क्यू पर क्लिक करेंगे हम, जिसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा हमारा सामने। देख सकते हो ऑनलाइन टेस्ट आ चुका है, इसमें 5 क्वेश्चन होगा, इसमें आप स्किप भी कर सकते हैं, राइट रॉन्ग सब इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आपको दिखाते हैं कि आपको सवाल का जवाब कैसे देना है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि यही सवाल आएगा, सवाल और भी ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है, और ये सेम भी आ सकता है। तो इंग्लिश हमें उतना मालूम नहीं है, इसमें क्या करना क्या है क्या नहीं करना है, तो आप चाहे तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो दिख रहा है, अगर जहाँ भी इस सवाल में ऑल ऑफ द अबव दिखे इस पर आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है तो सवाल आपका राइट हो जाएगा, चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं, लग जहाँ ऑल अबाउट दिख जाए आपको उस पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए तो वो सवाल आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा हाउ कैन यू रिडक्ट द रिएक्शन डिस्टेंस, इस पर आपको देख लेना है, आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। इसमें कोई भी सवाल एक पे जो है जवाब एक पर देना है आपको, इसमें किसी पर एक पे आपको क्लिक करना होगा, नहीं इसमें तो फिर इसकी भी आप इसे कर सकते हैं और दूसरा सवाल आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें जो भी सवाल सही हो जवाब सही हो वो आपको देना है। अगर इसमें हम ये डालते हैं कि हमारा ये है और सबमिट करते हैं तो यह भी हमारा सवाल सही है, 2 सवाल हमारा सही हो गया। और इसके बाद आ जाएंगे यहाँ आपको 4 जवाब मिलेगा, इसमें से कौन सा सवाल सही है जवाब सही है वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें स्टॉप एट लॉन्ग इस पर हम करते हैं, ये हमारा रॉन्ग हो गया, एक रॉन्ग हो गया, 2 सही है और एक स्किप कर दिया हमने। उस पर यह आ जाएगा आल आप द अबव, इस पर सबमिट करेंगे हम, 3 सवाल हमारा सही हो गया। अगर 1 सवाल भी और हम देंगे सही तो हमारा सही हो जाएगा। इसमें आप देखते हैं कौन सा, अगर इस तरह का भी आया, अगर इस तरह का जवाब दिखे तो आपको सिंपली 18 ईयर्स पर सबमिट कर देंगे तो सही हो जाएगा आपका। अगर ऐसा कोई आए तो अल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा तो भी आपका सही हो जाएगा। और इसका मांगेगा तो इस पर आपको ड्राइविंग एक्सपायर कर दीजिएगा तो हमारा हो जाएगा सवाल। अब आ जाए दूसरा यूनिट पे आएंगे, फिर इसको हम पूरा वीडियो हम देख चुका है, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे क्वेश्चन की तरफ, ऑनलाइन टेस्ट आ गया। फिर इसमें दूसरा जो यूनिट है कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, इंटरफेस देखने को मिल जाए तो आल आप पर क्लिक करके सबमिट पर कर देंगे क्लिक, हमारा सवाल राइट हो जाएगा। फिर अगर इस तरह का दिखेगा इसमें आप कौन देख लीजिए कौन सा सही है उस पर आप सिलेक्ट करके आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका राइट हो जाएगा। फिर कुछ इस तरह का देखेगा दिखने को मिलेगा, ये 35 लिखा हुआ है तो कौन सा साइन दिख रहा है, तो ये जो है रेगुलेटेड साइन है जो हमेशा के लिए साइन है, तो सबमिट कर देंगे तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। फिर इसमें जो दिखेगा आपको कि जो वार्निंग जो शेप होता है वो किस टाइप का होता है, तिरछा टाइप होता है, तिनकोना होता है या
चार कोना होता है, डायमंड टाइप होता है, स्क्वायर टाइप होता है, तो ये जो है वार्निंग वाला जो साइन होता है वो ट्रिंगल तो ऊपर वाला कर दीजिए क्लिक, सबमिट कर दीजिए क्लिक, तो चार सवाल हमारा राइट हो गया। फिर इस तरह का अगर ये हर जगह मिलेगा आपको, रोड के अंदर घुसेंगे तो भी निकलेंगे तो भी, तो एक वे है कि किसी को रास्ता देने के लिए तो सबमिट कर दें क्लिक। तो देख सकते हैं हमारा सवाल जो सही हो गया, लिख के आया कंटिन्यूएशन यू पासिंग द थ्योरेटिकल टेस्ट, हमारे पास हो चुके हैं। अब इसी तरह हम चलेंगे तीसरा पे, यूनिट तीन पे जाएंगे, और यूनिट तीन पे जाने के बाद चारों वीडियो हम फुल वाच करेंगे। स्किप याद रखना, स्किप नहीं करना है, स्किप करेंगे तो फिर आपका नहीं होगा। फिर इस पे हम सवाल पे क्लिक करेंगे, अब आ जाएगा फिर इसमें पांच क्वेश्चन हमारा है, और जहाँ मिल जाए ये देख लीजिएगा इसमें कौन सा सही है, आप पढ़ लीजिएगा, हमें उतना पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसमें इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हम इसकी वजह से। इसमें आप देख लीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, अगर हम आल पे करते हैं तो भी गलत होगा, स्किप हम कर देते हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा तो हम स्किप कर देते हैं, और ये तो इतना लंबा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अभी बताऊंगा, पहले स्किप कर देता हूँ इसको, फिर मैं दोबारा आपको बताता हूँ स्किप, इसको भी मैं कर देता हूँ, अभी मेरा कुछ भी राइट नहीं हुआ है। आपको ना समझ में आया तो फिर इसे कर लीजिएगा, यहाँ आल आप दो एबाउ आगे, इसको सबमिट करके क्लिक करेंगे, फिर आल एबाउ करेंगे, राइट हो जाएगा ये वाला आल अबाउट पर, फिर इसमें आएगा तो ये आपको ऊपर वाला क्लिक करके सबमिट कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा आपका, इस पर आप कर दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपका अभी आ रहा है तो अभी में अगर आए तो ऊपर और दूसरा नंबर आपको लैप के सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका राइट हो जाएगा ये वाला ऑल अबाउ। इसी तरह आप देख सकते हैं तीसरा सवाल भी जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका, मैं तीसरा भी पास हो चुका हूँ यूनिट पे। अब हम चले जाएंगे बाइक, तो देख सकते हैं आज का सवाल मेरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 42% हो चुका है मेरा, और नीचे देखते हैं वेतन थ्योरी टेस्ट ट्रेनिंग हो चुका है, थ्योरी टेस्ट के लिए अभी बाकी हमारा, और 23 जुलाई में हमें अपना सवाल आएगा, इसी तरह आपको वो भी सवाल आएगा, तो आपको पूरा सवाल इसी तरह आपको पास करना है। सो अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों भी शेयर करें।